ये हेलो भाई, हेलो भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। तो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा सफर, मजा आ गया। ठंड बहुत लग रही थी यहाँ के। यहाँ आलोक भाई हमारे पैकिंग कर रहे हैं, लगे हैं तैयारी करने पे। कल ठंड बहुत होने वाली है। YouTube रिवॉर्ड देता है आफ्टर कंप्लीटिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। सो भी मैंने बहुत बोला कि यार मुझे होटल में रहने दो, होटल में रहने दो, बट हमारे आलोक भाई मान नहीं रहे, बोले घर चलो घर चलो घर चलो। यार मयंक ही इज ऑल्सो मोटो व्लॉगर और ही इज लाइक प्रमोटिंग पौड़ी एज वेल। Hey guys, what's up? This is Harry. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, road dekh ke aap log samajh gaye honge. Yes, so mera dusra road trip start ho chuka hai and मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। फिलहाल क्या था कि जैसे कि आपको पता होगा कि बद्रीनाथ वाली सीरीज चल रही थी, तो अभी बद्रीनाथ के दो ब्लॉग आने भी रहते हैं। एक तो माना विलेज का एक और आता है, एंड जब मैं बद्रीनाथ से पौड़ी आया था तो अभी दो ब्लॉग जो है वो आएंगे, बट फिलहाल अभी मैंने उनको रोक दिया है। तो अभी मैं ये वाली सीरीज चला रहा हूँ, उसके बाद वाले जो है माना विलेज वाले ब्लॉग आएंगे। एंड अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग में, बाईपास वाला रास्ता है, तो आप देख रहे हो तो रुद्रप्रयाग वाला बाईपास जाएगा ये। और ये देखो प्यारा सा व्यू, यहाँ क्या प्यारा सा व्यू लग रहा है, नदी देखो कितनी प्यारी लग रही है, और ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे खतरनाक। मैं सुबह निकल गया था, एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिया है लंच ब्रेक, 2 बजे ऑलमोस्ट, और मेरा व्लॉग 2 बजे स्टार्ट हो रहा है। सो बीच में क्या हुआ था कि जब मैं श्रीनगर से आ रहा था तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उनको मिलना है मुझसे। सो पहले मैं उनसे भी मिला, तो पहले वो वाली क्लिप देखो एक बार आप। सो मैं आपको मिलाता हूँ मयंक नेगी से, जिनसे मैं आज मिलने वाला था। सो हाय मयंक, कैसे हो? बस बढ़िया, कैसे हैं आप लोग? भाई के चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मयंक ही इज ऑल्सो मोटो व्लॉगर और ही इज लाइक प्रमोटिंग पौड़ी एज वेल। सो श्रीनगर से हो ना? श्रीनगर से हैं भाई। तो भाई का जो चैनल होगा वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं जैसे मेरी जो भी है, मैं टेक्निकल वीडियो, जैसे आपके मेंटेनेंस वीडियो, जैसे आप बाइक के रिलेटेड, आपको बाइक जाना पसंद है या आप बाइक राइडिंग पसंद करते हो, तो मोटो ब्लॉगिंग या बाइक से रिलेटेड टिप्स, कैसे मेंटेनेंस करोगे गाड़ी की, या गाड़ी खरीदने से पहले आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उससे रिलेटेड सब डिटेल मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट करो भाई को, लाइक सब्सक्राइब करना, चैनल लाइक करना। वीडियो अच्छी नहीं लगती है कमेंट करके बताना कि भाई को किस कंटेंट में और बताना चाहिए, मतलब आपको क्या टॉपिक में वीडियो चाहिए, किसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, बाइक्स के रिलेटेड, कार के रिलेटेड, मतलब जो भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह है। सो एक बार जाके चेकआउट करो गाइस। मयंक भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से उखीमठ के लिए। उखीमठ में कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, वो आपके ब्लॉग में एंड तक पता चल जाएगा। ये ट्रिप मेरा होने वाला है कम से कम 3 से 4 दिन का ट्रिप होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सारी बातें यहाँ नहीं करते, कुछ बातें हम लोग मोटो व्लॉग में भी करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। केदारनाथ की यात्रा बन रही है ना, बद्रीनाथ की यात्रा बन रही है, तब से जो है यहाँ पे काफी लोग कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब ट्रैफिक भी नहीं है, गाड़ियाँ भी मतलब बहुत कम जा रही है, एंड जो होटल वगैरह भी है ना, तो मतलब मैंने उससे बात करी जहाँ मैंने खाना खाया था, तो वो मुझे ये बोल रहे कि अब थोड़ा सा जो धंधा है उनका महंगा चल रहा है, मतलब इतने यात्री नहीं आ रहे थे, उनकी भी सेल नहीं हो रही है इतनी। तो मतलब ये कि जब यात्रा बंद होती थी यहाँ के जो लोकल रिलीजियस है ना, उनको काफी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज से, उनको इकोनॉमी को बहुत ठीक करती है चीजें, फाइनेंशियली सपोर्ट जो होता है उनको बहुत लो हो जाता है। मतलब 6 महीने तक ये ऐसे ही रोड दिखेगी आपको खाली, और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम दिखेगा, बट 6 महीने के बाद फिर जो रौनक देखने को मिलेगी आपको वो फिर काबिले तारीफ होगी। तो मतलब ना भाई उस साइड पूरी छाया आ रखी है और इस साइड पूरी धूप आ रखी है, जो सनसेट है ना वो इस साइड को जा रहा है, तो इधर छाया आ जाएगी और इधर धूप रहेगी। अभी आई थिंक यहाँ से अगस्त में 11 किलोमीटर दूर रह गया, और लेफ्ट हैंड साइड में चलती रहेगी मतलब रिवर। सो गाइस ये आपको दिख रहा है ना, जो ये पूरा गुप्तकाशी है, एंड गुप्तकाशी रात को बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। मैं इस जगह पे वेट कर रहा हूँ, एंड ये लोकेशन है कुछ इस तरह से, ये देखो झरना, कितना प्यारा झरना है ये। बस एकदम मैं पता लेता हूँ मैंने।
हम लोग इस प्यारी से लोकेशन में रुके हैं और यहाँ से ना स्नोफॉल वाला दिखाई दे रहा है, हल्का सा पीक देखो ये दिखाई दे रही है, बहुत प्यारी पीक दिखाई दे रही है और सनसेट ऑलमोस्ट यहाँ होने वाला है। एंड ये देखो ऊखी मटकी मार्केट और ये है हमारे पहाड़ी बाइकर भाई जो फोन में बात कर रहे हैं। ये देखो प्यारी सा और व्यू जो निकल रहा है ना यहाँ पे, इतना प्यारा व्यू निकल रहा है ना, इतना प्यारा व्यू निकल रहा है। सो भी मैंने बहुत बोला कि यार मुझे होटल में रहने दो, होटल में रहने दो, बट हमारे आलोक भाई मान नहीं रहे, बोले घर चलो घर चलो घर चलो यार। आलोक भाई ने मुझे राइड में आने को बोल दिया, मेरे लिए उतना ही बहुत था, बट अब उन्होंने घर के लिए भी इनवाइट कर दिया, तो मतलब क्या अचीवमेंट पे अचीवमेंट हो रही है, मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। एंड बाकी ये वाला रास्ता आप लोगों ने बहुत देखा होगा आलोक भाई की वीडियोज़ में और उनके ब्लॉग में। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं मनसूना विलेज एंड साथ ही साथ जो चौखंबा व्यू का दिख रहा है ना यहाँ से देखो, उसमें ना सन रेज पड़ रही है जिसकी वजह से इतना शाइन कर रहा है ना, वो बहुत ही प्यारा शाइन कर रहा है वो देखो। सो ये वाला जो व्यू है ना आपको मैं नजदीक से कल दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग कल जो है वो वहीं जाने वाले हैं मधमेश्वर, एंड वहां से चौखंबा व्यू है ना बहुत पास दिखता है, तो मतलब बहुत क्लियर व्यू दिख जाएगा आप लोगों को यहां से, और साथ में मेरे आलोक भाई रहेंगे। सो फिलहाल अभी हम लोगों ने बाइक वगैरह यहां पे पार्क कर दी है, इट्स टाइम टू हैव सम स्नैक्स, तभी चलते हैं। मैं आपको आलोक भाई से ही मिलाता हूँ। ये रहे आलोक भाई। आलोक भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। तो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा सफर, मजा आ गया, ठंड बहुत लग रही थी आगे। हाँ यहाँ तो ठंडा इलाका है ना। हाँ काफी। आलोक भाई का जाने वाला हूँ मैं मधमेश्वर, मेरे दोनों सपने पूरे हो जाएंगे, मधमेश्वर जाने का और आलोक भाई का राइड करने का, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी मुझे, तो इट्स अ काइंड ऑफ बिग अचीवमेंट फॉर मी सीरियसली। स्वागत है आपका हमारी वैली में, मधमेश्वर वैली में। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है आगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल बात है सर, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ इधर। तो मैं पहले भी आया हूँ तो दोबारा भी जा रहा हूँ अब लोग, एंड अच्छा लग रहा है काफी सीरियसली, और काफी घना जंगल है देखने को मिलेगा आपको आगे, टेन फॉरेस्ट है यहाँ पे देखो। सो फिलहाल अभी एज यूजुअल हम लोग कॉफी है चाय वगैरह पी रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ठंडा काफी हो चुका है ना, और फिर साथ में यहाँ से कितना दूर है आलोक भाई? घर तो यहीं पे है, 2 किलोमीटर के बाद। 2 किलोमीटर के बाद डेढ़ होगा जाता है। आलोक भाई को मैंने बोला भी था कि आलोक भाई मुझे कहीं होटल में स्टे करा दो, आलोक भाई ने जल्दी निकलना भी है। हाँ एग्जैक्टली, प्लान हमारा ये बन रहा है कि हम लोग सुबह सुबह जो है ना वो घर से निकल के ट्रैक स्टार्ट करते हैं ना हमारा, बेसिकली शाम तक ऊपर पहुंच जाएंगे। ट्रैक है वो हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर ले, और ऊपर जाके जो सनसेट वगैरह भी बताते हैं आप ना, वो वगैरह हम लोग आपको देखने को मिला है, तो सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, आप देखते हैं वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा भाई। प्लानिंग तो पूरी है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी प्लानिंग तो वही सही बात है, पूरी पावर बैंक वगैरह लेके चल रहे साथ साथ। लाइट तो है नहीं। लाइट तो है नहीं। हाँ A few moments later. So guys, finally, मैं पहुंच गया हूँ आलोक भाई के घर पे, और आलोक भाई ने माना नहीं, मैंने बोला था कि रूम ले लेता हूँ, बट आलोक भाई ने घर पे इनवाइट कर ही दिया फाइनली, एंड खाना वाना खा लिया हमने, एंड काफी चिट चैट हुई है, काफी सारी बातें हुई है, प्रिपरेशन हो गई है ऑलमोस्ट, कल हम लोग जा रहे हैं मधमेश्वर, तो प्लान ये है कि हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाएंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा जो ट्रैक है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेंगे, एंड ऑलमोस्ट मेरी एडिटिंग भी हो गई है। सो जो कल का व्लॉग है वो आप लोगों को, मतलब जो 19 तारीख का व्लॉग है वो आपको 20 तारीख को मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मैंने इतनी फास्ट व्लॉग एडिटिंग करी है, एंड और सॉरी गाइस क्योंकि ऑडियो जो क्वालिटी है मेरे मोटो व्लॉग्स की, आई डोंट नो कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, ऑडियो क्वालिटी से अच्छी नहीं आई है। और बाकी यहाँ आलोक भाई हमारे पैकिंग कर रहे हैं, तैयारी करने का। कल ठंड बहुत होने वाली है। तबाही कंटेंट आने वाला था आलोक भाई। सो गाइस एक चीज और है, मैंने आलोक भाई का जो सिल्वर प्ले बटन है ना वो खुलवाया था, और भाई उसको देख के जो अलग ही फीलिंग आई है आलोक भाई, मतलब क्या ही बोल रहा, बहुत ही अच्छा लगा देख के, मतलब ये लगता नहीं तुमने कम से कम कुछ किया है, कुछ अचीवमेंट तुमने की है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। सो गाइस ऐसा है जो यूट्यूब रिवॉर्ड देता है आफ्टर कम्प्लीटिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। सो आलोक भाई की जो मेहनत थी, तो वो जो सिल्वर प्ले बटन है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी मेहनत आलोक भाई। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट करते रहो, और ऐसे हम लोग तबाही तबाही कंटेंट लाते रहेंगे। बाकी फिलहाल तो अभी ये वाला व्लॉग ना मुझे एंड करना चाहिए, सो ये वाला व्लॉग एंड करते हैं, और मुझे भी प्रिपरेशन करनी है कल की। सो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी फास्ट व्लॉग में वंस अगेन, टिल देन राइड सेफ, बी सेफ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज हैरी, दैट्स आलोक, साइनिंग ऑफ, बाय।